हेलो दोस्तों, स्वागत है फिर से एक और न्यू वीडियो में। दोस्तों अभी सुबह के 6:30 हो रहा है और इस समय का नज़ारा कुछ इस प्रकार से है। देख सकते हैं अभी मैं सरे में आया हूँ खेत की तरफ और दोस्तों आज सुबह सुबह काम हो गया है। कल पानी पटा हुआ था गेहूँ में उधर भी सरे में, तो पाइप ऐसे ही बिछाया हुआ है। अंधेरा हो गया था ना तो ऐसे ही छोड़ दिया था, तो ये अभी चल रहे हैं वहाँ पर और पाइप लेकर आना है, तो चलते हैं दोस्तों फिलहाल। और अभी का नज़ारा कुछ इस प्रकार का है, चारों तरफ का देख सकते हैं धुंध लगा हुआ है थोड़ा थोड़ा। आज खूब धुंध नहीं है, थोड़ा थोड़ा है और इस प्रकार से नज़ारा है देख सकते हैं। और दोस्तों इधर सूर्योदय होने वाला है तो इस तरह से लाली है, कितना अच्छा सा व्यू हो प्यारा सा। तो दोस्तों मैं अभी चलता हूँ खेत में और खेत में पाइप देखेंगे क्या है, समीटा हुआ है कि नहीं, मुझे लाना है। तो चलते हैं दोस्तों फिलहाल खेत में, देखते हैं क्या है, समटा हुआ है कि नहीं पाइप। समीटा होगा तो लेके चले आएंगे, नहीं समटा होगा तो समीट के फिर लाएंगे। तो दोस्तों अभी मैं फाइनली आ गया हूँ खेत में और वो वाला खेत पटा हुआ था गन्ना के बाजू वाला इधर वाला, तो अभी चलते हैं पाइप लेकर के। पाइप अभी समटा हुआ नहीं है देख सकते हैं, ये वाला पाइप है, यही वाला पाइप है दोस्तों। तो चलते हैं समेट लेते हैं, इधर दूसरे का है काला वाला और ये हमको लेकर चलना है प्लास्टिक वाला, तो इसको पानी गिरा के मोड़ लेते हैं। वह मरवाई है दोस्तों, वहीं से पटा हुआ था। फाइनली दोस्तों पाइप समेट लिया, पाइप गिरा करके देख सकते हैं, बीच में का छोड़ा लिया हूँ, पानी गिरा करके समेट लिया, ये देख सकते हैं मोड़ लिया। और दोस्तों अब लेकर चलते हैं। और बात ऐसा है ना दोस्तों कि मोटर भी दूसरे का है और पाइप भी दूसरे का है, यानी कि मोटर किसी और का है और पाइप किसी और का है, इसलिए क्योंकि दोस्तों मुझे पानी पटाना था और इस मोटर वाले के पास में पाइप कम था, तो हमने दूसरे का पाइप मंगनी करके और फिर दूसरे का पाइप ला करके पटाया, तो पाइप भी मांग के लाया और मोटर भी भाड़ा पे है, यानी कि हमने हमारे पास कुछ भी नहीं है, सिर्फ भाड़ा से पटाते हैं। तो अब मजबूरी है तो क्या करें, पाइप मांग के तो पटाना ही पड़ेगा, तो इसलिए अपना काम के लिए दूसरे से पाइप मांग करके पानी पटा लिया और पाइप रह गया था तो उसको अब समेट लिए हैं, अब जाते हैं उसको देंगे, क्योंकि जिम्मेवारी रहता है भाई, अगर दूसरे का पाइप लाए हैं अपने काम के लिए तो काम हो जाता है, तो अच्छे से सेफ्टी के साथ उसको पहुँचा देना हमारा फर्ज है, आप पहुंचा देना भी होता है, नहीं तो अगले बार से देना भी नहीं चाहेगा दूसरे आदमी, इसलिए चलते हैं। पाइप तो सबमिट लिए दे सकते हैं और अब लेकर चलते हैं सीधे घर, उसको दे देंगे। तो दोस्तों फाइनली हमने पाइप को माथा पे उठा लिया सर पे और अभी चलते हैं दोस्तों घर पे। घर पे इसको पाइप जिसका है उसको दे करके और फिर मिलते हैं घर पर, माल भी सरियाना है तो माल भी सरियाएंगे फेरी पर जाने के लिए, तो फिलहाल चलते हैं दोस्तों पाइप को दे देंगे और दे करके फिर माल सरियाते समय मिलते हैं। दोस्तों अभी आ गया हूँ घर और बहुत ठंड लग रहा है, हाथ पूरी तरह से ठठुर गया है, तो अभी देख सकते हैं आगे से हाथ सेक रहा है, तो हाथ सेक लेते हैं, बहुत ज़्यादा ठंड लग रहा है। दोस्तों अभी टाइम हो गया है 9 और माल अभी सरियाया हूँ लेकिन माल में बहुत सारे आइटम ख़त्म हो गया है, तो अभी चलते हैं थोड़ा सीतामढ़ी, थोड़ा सा मेल ख़त्म हो गया है तो मेल लेकर आते हैं, तो अभी खाना खा लेते हैं उसके बाद निकलेंगे, अभी खाना नहीं खाए हैं। तो दोस्तों अभी खाना खा रहे हैं, चावल है, सब्जी है और पानी लेकर आ रही है कृष्णा की मम्मी, कृष्णा की मम्मी सरवण की कृष्णा का सरवण के ना। तो दोस्तों अभी खाना खाते हैं और ये खाना ले आए, अब खा के फिर हाल निकलते हैं सीतामढ़ी। दोस्तों अभी मैं घर से निकल चुका हूँ खाना वाना खा करके और दोस्तों चलते हैं सीतामढ़ी से मार्केट। और दोस्तों आज फिर चल रहा हूँ साइकिल से ही, क्योंकि दोस्तों जिस दिन माल लाने जाता हूँ उस दिन काम पर नहीं जा होता है, पूरा दिन अकाज हो जाता है, तो मैंने सोचा कि चलिए जब पूरा दिन अकाज हो ही जाता है तो साइकिल से ही चलते हैं घूमते फिरते, तो इसलिए आज फिर से साइकिल से चल रहा हूँ। और देख सकते हैं दोस्तों इस समय का नज़ारा कुछ इस प्रकार का है। दोस्तों अभी
लगभग 10:15 हो रहा है, तो चलते हैं दोस्तों। और देखिए इधर का रास्ता, गांव वाला रास्ता किस प्रकार का है, कच्ची रास्ता है तो सही से इसको पार करना पड़ेगा। दोस्तों मान लेके अभी जा रहा हूँ, ले लिया हूँ, आगे देख सकते हैं झोला में लैगी प्लाजो है, ये सब बिकता है। और दोस्तों अभी साइड में बोरा में है, तो अभी माल ले करके मैं टर्निंग जा रहा हूँ घर। और दोस्तों देख सकते हैं यही मान लिया हूँ, इसमें लैगी प्लाजो है झोला में, और इस बोरा में टावर जैसा है दोस्तों, तो सारे ले लिया हूँ। और दोस्तों सारा माल हमारे पास है, इसमें 5200 का है और ये 930 का है, तो 5200 और 900 हो जाता है 130। और दोस्तों 390 रुपये का गमछा है, 6420 रुपये का टोटल माल हुआ, 6420 रुपये का। और 20 रुपये नाश्ता किया हूँ, 6440 हो गया दोस्तों। तो हमारे पास आज टोटल माल 6440 रुपये का है। और दोस्तों एक और बात आप लोगों के बीच में शेयर करना चाहते हैं दोस्तों, बात यह है कि जब घर से चलते हैं तो दोस्तों ऐसा लगता है कि थोड़ा सा माल लेना था, चलते माल ले आते हैं, लेकिन जब अभी जा रहे हैं माल लेकर के तो कुछ अलग सा फीलिंग हो रहा है। फीलिंग ऐसा हो रहा है कि दोस्तों जब थोड़ा सा जब माल लेना है तो क्यों नहीं फेरी करते करते ही चले, लेकिन अब क्या करें, अब घर पे घर से चलते हैं तब तो थोड़ा सा माल लेना रहता है, तो सोचता है कि चलिए माल लेकर आते हैं तो कल से फेरी करेंगे। लेकिन जब माल लेकर अभी जा रहे हैं तो अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे फेरी करते जाना चाहिए, क्योंकि एक बोरा माल है तो गाड़ी है, स्कूटरी है, गाड़ी का फ़ायदा उठाना चाहिए, तो फेरी करते करते जाना चाहिए और माल लेकर आना चाहिए, क्योंकि थोड़ा सा ही माल है, थोड़ा सा ही माल लाना है। या स्कूटरी है तो लगभग कितना 3-4 घंटा समय लगता है माल लाने, तो सुबह सुबह 7 बजे से लेकर के और 12 बजे के बीच में ही माल ला सकते हैं। तो अब से जो है ना, अब टाइम अपडेट करेंगे, अपने आप को थोड़ा सा अपडेट करेंगे और अपडेट कर ये करेंगे कि माल लाने जाते हैं, जिस दिन माल लाने जाते हैं उस दिन सुबह सुबह 6 बजे से लेकर 12 बजे तक टाइम रखेंगे माल के लिए। तो यही टाइम मैनेजमेंट में थोड़ा सा मैनेज करेंगे टाइम को, और क्योंकि इस तरह से अगर एक दिन पूरा दिन वेस्ट हो जाता है, तो देखते हैं अपडेट करेंगे। तो आप लोग ब्लॉग में लास्ट तक बने रहिएगा और रोज़ ब्लॉग देखिएगा तो पता चल जाएगा कि किस तरह से अपडेट करते हैं टाइम को। तो चलिए दोस्तों फिलहाल माफ़ कीजिएगा दोस्तों, 6420 नहीं 6520 का माल लाए हैं, क्योंकि दोस्तों गिनती हो गया है, गिनती में गलती हो गया है गिनती करने में। तो दोस्तों आज टोटल माल 6520 रुपये का लाए हैं। तो चलिए दोस्तों फिलहाल चलते हैं घर, और दोस्तों आज का इस वीडियो को यहीं पर एंड करेंगे, क्योंकि दोस्तों आज कुछ अलग सा फीलिंग हो रहा है और ऐसा लग रहा है कि मैं खुद से बेईमानी कर रहा हूँ। तो खुद से ईमानदार रहने के लिए दोस्तों टाइम को वेस्ट नहीं करते हुए, और जब गाड़ी लिए हैं तो गाड़ी को फ़ायदा उठाते हुए और अच्छे से काम करना है, दिल से काम करना है। तो अपडेट ज़रूर करेंगे, आप लोग सारा वीडियो ज़रूर देखिएगा, पूरा धीरे धीरे सारा पता चल जाएगा। तो चलिए दोस्तों आज के इस वीडियो को एंड करते हैं, मिलते हैं कल सुबह एक और न्यू वीडियो में। आज के इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, बाय बाय, गुड लक।